शायद अभी नहीं सुने होंगे पर इंटरनेट पे बहुत हैं। अपनी आज़ादी के मायने जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, हम सबके लिए ताज़ा करने स्वागत कीजिए दिव्यांशी सुमराव का। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और जैसे असीम ने बताया कि आज़ादी के मायने मेरी कविता के माध्यम से आप जान पाएंगे, उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से खास इस प्रोग्राम के लिए आई हूँ, तो काव्य का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए और हमारे सारे अतिथिगण और श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत। चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगी और फिर अपनी कविता की ओर बढ़ूंगी। तो शुरुआत करती हूँ। रंगों कोरे पन्ने स्याही से चुप चुप फिर रो जाऊं मैं, दिल तक जो सिमटी थी बातें अब सबको यूं बतलाऊं मैं, शब्दों की डोली में बैठ फिर पिया घर भी जाऊं मैं, लौटूं तो सोचूं मन मन में फिर से अब ना जाऊं मैं, झूठ सच की नाप तोल में खुद ही खुद खो जाऊं मैं, सुन सको तो सुन लेना जो कुछ कह न पाऊं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं अपनी कविता की ओर आती हूँ। इसी 15 अगस्त पर मुझसे से कुछ रोज पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मेरे लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, क्या आज़ाद हूँ मैं। सवाल कुछ यूं था और मैंने इस कविता के माध्यम से वो जवाब देना चाहा, तो मैं सुनाती हूँ, आप तक पहुंचे तो दाद दीजिएगा। और कविता यूं कि मैं खिल दोस्तानी हूं, ये बात मैंने अपना जन्म प्रमाण पत्र पढ़कर नहीं जानी, ना ही जिस सौंधी मिट्टी में मैं घर घर खेली उस मिट्टी ने कुछ कानाफूसी की। इस बात का इल्म मुझे धीरे धीरे खुद ब खुद होता गया। स्कूल में नई नई दाखिल हुई और अपने वतन से मेरी पहली मुलाकात भी कुछ ऐसे हुई। स्कूल असेंबली में पूरे जोश से तोतली जुबा में जनगणमन गाते हुए, बिना मानी जाने सैकड़ों बच्चों संग वंदे मातरम दोहराते हुए, बिना सुरताल की समझ लिए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा मैं अपने ही सुर लगाते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई याद करके सबका मन बहलाते हुए, 15 अगस्त के दिन प्लास्टिक का वो तिरंगा थामे स्कूल को जाते हुए, 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए माँ से सफेद कुर्ता सिलवाते हुए, गांव में बाबा की साइकिल पर सवार होकर खेतों की हरियाली निहारते हुए, रविवार विशेषांक से चुनकर आजादी के 10 मशहूर गीत गुनगुनाते हुए, भगत बोस आजाद के सारे किस्से कंठस्थ करते हुए, कारगिल युद्ध में शहीद वीरों की वीर गाथाएं सुनते हुए, डीडी नेशनल पर परेड देखकर दिल्ली में न होने का गम मनाते हुए, 8वीं में मेरे सपनों का भारत पर एक कविता रचते हुए, बहन से लड़ाई में पच जाने पर रोते रोते उसके टुकड़े भी चिपकाते हुए, 2011 की उस रात विश्व कप जीतने पर चक दे इंडिया सुनकर आंखों में नमी लिए गर्व से सीना चौड़ा करते हुए, रंग दे बसंती का विस्तार न जाने कहां कहां ढूंढते हुए, आजादी के मायने इतिहास से समझते हुए खुद में रमाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद की तह में पहुंचे बिना उसके इश्क में कैद होते हुए, भारत की जिस तस्वीर में मैंने अपने ही रंग भर दिए थे मन मार कर उन्हें मिटाते हुए खरोंचते हुए, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक भारत का भाव समझते हुए समझाते हुए, बदले में अपने काम से काम रख सुनते हुए गालियां भी काते हुए, नफरतों की आग में वतन को जलता देख खुद उसमें झुलसते हुए, इंकलाब जिंदाबाद को सड़क के किसी कोने में जख्मी पाते हुए, एक भारत की सांसें थमते हुए आजादी का दम घुटते हुए, तो अहले वतन बताइए मिलकर बताइए एक आवाज में दोहराइए और बताइए मुझे, क्या भगवा हरे की बेमतलब इस जंग में सफेद को बचा सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया।
क्या भगवा हरे की इस जंग में सफेद को बचा सकती हूँ मैं, अगर हाँ तो आजाद हूँ मैं। क्या अपने ही घर में बिना किसी डर के रह सकती हूँ मैं, अगर हाँ तो आजाद हूँ मैं। क्या एक भारत की सांसें लौटा उसे जिंदा कर सकती हूँ मैं, अगर हाँ तो आजाद हूँ मैं। क्या अपने बचपन वाले भारत से फिर मिल सकती हूँ मैं, अगर हाँ तो आजाद हूँ मैं। अगर हाँ जवाब है आप सभी का तो मुझे भी कहने में गुरेज नहीं जरा सा कि वाकई आज आजाद हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।